दोस्तों, प्रकृति में हमारे आसपास ऐसी औषधीय पौधे मौजूद हैं जिनकी जानकारी नहीं होने के कारण हम उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। कई बार तो हम उनके ऊपर से निकल जाते हैं, लेकिन पहचान नहीं होने के कारण हम उनका अपने स्वास्थ्य के लिए लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कई बार दूरदराज ग्रामीण अंचल में कोई इनकी जानकारी रखता भी है तो वो अपने तक व्यक्तिगत रूप से सीमित रखता है, उसका आगे प्रचार प्रसार नहीं करता है। इसकी जानकारी जनमानस के कल्याण के लिए इसका प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है। सभी को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए जिससे कि वो इसका लाभ उठा सकें। हमारे आसपास में स्वयं ही बहुत सारे पौधे अपने आप उगते हैं। अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं तो संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ इनसे प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है गोक्षुत ट्रैकीबुलस टेरेस्ट्रिस। जंगल में पाई जाने वाली इस सामान्य औषधि के छुरी समान तेज कांटे गौ आदि पशुओं के पैरों में चुभकर उन्हें क्षत कर देते हैं। इसी कारण इन्हें गोक्षर कहा जाता है। इसे स्वतदृष्टा, चणदुम, स्वादु कंटक एवं गोखरू नाम से भी जाना जाता है। यह एक सरलता से उपलब्ध होने वाला घास जैसा जमीन पर फैलने वाला शुभ है जो वर्षा के प्रारंभ में ही जंगल में चारों ओर उग आता है। पूरे वर्ष इसमें फूल व फल आते हैं। बहुत से व्यक्ति इसे मसाले के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं तथा अन्न के अभाव में दूरदराज के एरिया में इसके फलों को पीसकर रोटी बनाकर भी खाए जाते हैं। इस सूप में अन्य जंगली पौधे की जो आकार रूप में एक समान होते हैं मिलावट होने से औषधि क्षमता विवादास्पद होती है। इस पौधे के मूल और फल प्रयुक्त होते हैं। क्वाथादि के लिए पंचांग अथवा मूल का यथासंभव ताजी अवस्था में प्रयोग करना चाहिए। रूखी अवस्था में प्रयोग करना हो तो फल पक जाने पर पूरी वनस्पति खोद कर सुखा कर अनाद शीतल स्थान पर संग्रहित करते हैं। पके फलों को सुखा कर बंद पात्रों में रखते हैं। मूल फल व पंचांग का प्रभाव काल कुल एक वर्ष है। इसी अवधि में इसे उपयोग में ले लेना चाहिए। इसके गुण संबंधी मत आचार्य चरक ने गोक्षुर को मूत्र विरेचन द्रव्यों में प्रधान मानते हुए लिखा है। यह मूत्र कच्छ विसर्जन के समय होने वाले कष्ट में उपयोगी एक महत्वपूर्ण औषधि है। आचार्य सुश्रुत ने लघु पंकज मूल कंटक पंचमूल गणों में गोखरू का उल्लेख किया है। अस्मरी भेदन पथरी को तोड़ने वाला मूत्र मार्ग से ही बाहर निकाल देना हेतु भी इसे उपयोगी माना है। श्री भाव मिश्र गोक्षुर को मूत्राशय का शोधन करने वाला अस्मरी वेदक बताते हैं। वो लिखते हैं कि पेट के समस्त रोगों की गोखरू सर्वश्रेष्ठ दवा है। वनौषधि चंद्रोदय के विद्वान लेखक के अनुसार गोखरू मूत्र पिंड को उत्तेजना देता है, वेदना नाशक और बलदायक है। इसका सीधा असर मूतेंद्रिय की श्लेष्म त्वचा पर पड़ता है। सुजाक रोग और वस्तिशोध पेल्विक इन्फ्लेमेशन में भी गोखरू तुरंत अपना प्रभाव दिखाता है। गर्भाशय को शुद्ध करता है तथा वंधत्व को मिटाता है। इस प्रकार यह प्रजनन अंगों के लिए एक प्रकार की शोधक बलवर्धक औषधि है। श्री नादकर्णी अपने ग्रंथ मैटेरिया मेडिका में लिखते हैं, गोखरू का सारा पौधा ही मूत्रल शोथ निवारक है। इसके मूत्रल गुण का कारण इसमें प्रचुर मात्रा में विद्यमान नाइट्रेट और उत्पत्त तेल है। इसके कांड में कषाय कारक घटक होते हैं जो ये मूत्र संस्थान की श्लेष्मा झिल्ली पर तीव्र प्रभाव डालते हैं। यूरोप और ग्रीस में चिर पुरातन काल से प्रयुक्त इस औषधि का हवाला देते हुए वेल्थ ऑफ इंडिया इसके गुणों का वर्णन इस प्रकार करता है, फल मूत्रक होते हैं तथा पथरी रोग मूत्र संस्थान के संक्रमण में लाभ करते हैं। ब्राइट्स डिजीज नामक एक एलर्जिक संक्रमण पर भी इसका प्रभाव मारक एवं वल्य दोनों ही रूपों में पड़ता है। इस प्रकार यह औषधि मूत्रवाही संस्थान की स्वाभाविक सामर्थ्य बढ़ाकर संक्रमण रोकती है। होम्योपैथी में श्री विलियम बोरिक का मत प्रमाणिक माना जाता है। विशेषकर वनौषधियों के विषय में वे लिखते हैं कि मूत्र मार्ग में अवरोध, वीर्यपात, प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन व अन्य यौन रोगों में गोखरू का टिंचर 10 से 20 बूंद दिन में 3 बार देने से तुरंत लाभ होता है। यूनानी में यह खारे खसक खुर्द या खारे सहगोसा के नाम से जाना जाता है। हकीम इसे गर्म और शुष्क मानते हैं। उनके अनुसार यह ब्लेडर व गुर्दे की पथरी का नाश करता है तथा मूत्रावरोधक को दूर करता है। मूत्र मार्ग से बड़ी पथरी को तोड़कर निकाल कर बाहर करता है। सुजाक जैसे भयानक यौन रोग में भी यह लाभप्रद है। गर्भाशय शुद्धि फैलोपियन ट्यूब की उत्तेजना हेतु इसकी जड़ व पत्तों का स्वरस प्रयुक्त होता है।
गोखरू के अंदर जो रासायनिक संरचना है, गोखरू की पत्तियों में 79% जल, 7.22% प्रोटीन तथा 4.63% राख पाई गई है। खनिजों में कैल्शियम 1.55 ग्राम प्रतिशत, फास्फोरस 0.08 ग्राम प्रतिशत तथा लोहा 9.2 मिलीग्राम प्रतिशत होता है। कैल्शियम की प्रचुरता इस जड़ी बूटी की विशेषता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा भी 41 मिलीग्राम प्रतिशत के लगभग पाई गई है। आधुनिक मत एवं वैज्ञानिक प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर गोखरू के मूत्रल गुण का मनुष्यों व प्रायोगिक जीवों दोनों पर अध्ययन किया गया है। निष्कर्ष यह निकला है कि इस औषधि के मूत्रल गुण यूरिया के समानी हैं। कुछ रोगियों में अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह एक निरापद मूत्रल है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च तथा एंटीसेप्टिक एमए प्रकाशित शोध लेखों के अनुसार सभी प्रकार के गुर्दे के विकारों में गोखरू का उपयोग एक चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। गोखरू का सारा पौधा ही औषधि क्षमता रखता है। फल और जड़ अलग से भी प्रयुक्त होते हैं। इनकी मात्रा फल चूर्ण 3 से 6 ग्राम 2 या 3 बार, पंचांग पात 50 से 100 मिलीलीटर तक प्रयोग करते हैं। पथरी रोग में गोखुर के फलों का चूर्ण शहद के साथ 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दिया जाता है। महर्षि सुश्रुत के अनुसार 7 दिन तक गौदुग्ध के साथ गोखुर पंचांग का सेवन कराने से पथरी टूट टूट कर शरीर से बाहर चली जाती है। मूत्र के साथ यदि रक्त स्राव भी हो तो गोखुर चूर्ण को दूध में उबाल कर मिश्री के साथ पिलाते हैं।